आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आपका भाई हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ एक यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया जो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं अपना राशन कार्ड अपने मोबाइल से ही बिल्कुल कम पैसे में। उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। ओपन करते ही आपको इसमें लिखना होगा ई डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा ई डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट आप सर्च करिएगा, आप देखिए झारखंड का भी कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। आप ईस्ट ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिन ई साथी दिख रहा होगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको यूजर का नाम पासवर्ड देना है। लेकिन आप सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, तो आपको उसका भी सोल्यूशन है। आप ऊपर देख सकते हैं नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ अपन लॉगिन आईडी दर्ज कर सकते हैं, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लेकिन लॉगिन आईडी में क्या करना है, 6 से 8 अंक करेक्टर रहना चाहिए। आप अपना नाम का 2-4 अंक डाल दीजिएगा और 2-4 अपना डेट ऑफ बर्थ में से कुछ डाल दीजिएगा। और जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा कोड डाल के सुरक्षित कर दीजिएगा, कैप्चा कोड भरिएगा सुरक्षित। उसके बाद मुख्य पृष्ठ पर फिर से आ जाते हैं। फिर से आपको सिटीजन लॉगिन से आई साथी पर क्लिक करना है। फिर आपको वही पेज आएगा, पंजीकृत उपयोगकर्ता नवीनकरण। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिएगा, जैसा हम डाल दिए हैं। आप सुरक्षा कोड डालिएगा। सुरक्षा कोड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करना है। आप कैप्चा कोड सही से डालिएगा, सबमिट पे क्लिक करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको इसमें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये आइडिया बनाइएगा तो बहुत सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको हम ले चलते हैं आज राशन कार्ड पर। तो आपको इंटर ई साथी दिख रहा है, उसके बगल में ई साथी इंटरग्रेट सर्विस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप हमको करना है 5वां नंबर राशन, नवीन राशन कार्ड, उस पर क्लिक करना है। विभाग का नाम आ जाएगा आपको, राशन नवीन राशन कार्ड, आवेदक का नाम डाल दीजिएगा, जैसे कि आप हम अपना नाम डाल दे रहे हैं, ऐसा आप अपना नाम डालिएगा जिसके नाम पर अप्लाई करना है। आवेदक की जन्मतिथि, आप जन्मतिथि डाल दीजिएगा। जैसे ही आप जन्मतिथि डालेंगे, उसके बाद आपको जैसे जन्मतिथि हम डाल दे रहे हैं, अपना डालिएगा जिसका अप्लाई करना है। फिर आप जिला पे क्लिक करिएगा, चयन कर लीजिएगा जो आपका ज़िला रहेगा। मान लीजिए आपका जो भी ज़िला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना ज़िला आ जाएगा। अब हम अपना ज़िला कर लेते हैं। इसके बाद नीचे जाइएगा, आवेदक का मोबाइल नंबर डालिएगा, जो मोबाइल नंबर रहेगा, जो मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए क्योंकि इस पर कॉल आएगा, और वो नंबर डाल के आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सबमिट पे फिर से क्लिक करना है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, वैसा ही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंजेस रहेगा। इसमें आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन है, 15 रुपये फीस कटेगा, प्रोसीड विद पेमेंट पे करिएगा। नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा, यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड या UPI जैसे पेमेंट करना है आप कर लीजिए। जैसे हम डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, अब डेबिट कार्ड पे कर लीजिएगा, डेबिट कार्ड नंबर डालिएगा, डिटेल डाल दिएगा और मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा। एक OTP आएगा, OTP फिल करिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अब फिर से आप उसी पेज पे आ जाइएगा, फिर सिटीजन पे कॉल क्लिक करिएगा, यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना। ये प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं देखने के लिए कि अगर आपका बन के आएगा तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से देख सकते हैं। थोड़ा वेट करिएगा, जाइएगा अगर तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा कैसा कैसा, आप देख सकते हैं। फिर से हम अगर मान लीजिए ये सब आप फिल कर लेना है, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड, सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप कुल कुछ आवेदन के तो कुल लंबित आवेदन पर रहेगा, अगर आपका बन जाएगा तो आप निस्तारित आवेदन हो जाएगा। जैसे हम पहला वो चेक कर लिए, आप इसमें अगर आवेदन के तो ये इसमें रहेगा, जब तक लंबित रहेगा निस्तारित हो जाएगा। तो निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिस पे क्लिक करिएगा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।